गए तो फिर दुख की चिंता की क्या? बोलिए सच्चे दरबार की। वो तो आदमी देखता है ना। अच्छा ये बताइए, दूध फटने से कौन डरता है? दूध फट जाए तो कौन रोता है? दूध फट जाए तो कौन विलाप करता है? जिसको दूध से, फटे दूध से पनीर या छेना बनाने नहीं आता है वही डरेगा। ठीक है, जिसके पास सदगुरु मौजूद है वो दुख से काहे डरेगा? डरेगा क्यों नहीं डरेगा? इसलिए नहीं डरेगा कि जब सदगुरु हमारा हरिय है तो क्या फिक्र क्या चिंता। दिव्य आत्माएं कुछ बोले कुछ निष्ठकें हम लोगों से होती है, लेकिन यदि सदगुरु होता है तो सारे पापों को क्षमा भी कर देता है, करा भी देता है, गलती का भी जितने भी गलती या भूल होते हैं सबको वह सदगुरु मुक्त कर देते। ठीक है, थोड़ा सा बात समझेंगे, लेकिन कुछ लोग नए हैं इसलिए सबका भला हो। अच्छा आप बताएंगे सबसे बड़ा पापी कौन है? धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए आप बताएंगे कि सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा गलती ही बता देंगे, सबसे बड़ी गलती क्या है हम बता दें? हम बताएं फ्री में? ये वादा करिए कि दोबारा पूछूंगा तो बता देंगे, तो बताएं। यदि आप वादा करें कि हम आप दोबारा पूछेंगे तो उस उत्तर को दे देंगे तो हम बताएंगे, और नहीं तो नहीं बताएं। यानी ध्यान से सुने तब बताएं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, संकेत कहीं और हो रहा है। सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ा अपराध क्या है? दोनों प्रश्न एक ही है, उत्तर भी एक है। आप लोग बताएंगे कि हम बताएंगे? आप बताएंगे सर पर कि कहीं भी पूछेंगे तो आपको बताना होगा, तब नहीं कहेंगे कि हाँ हम नहीं जानते। देखिए, सबसे बड़ा वह पापी है जो सदगुरु सभा से खाली आता है। सबसे बड़ा वह गलती जीवन जो सदगुरु पाकर भी नहीं बदलता है। दिव्य आत्माएं आप नहीं बदल रहे हैं तो मैं दावा करता हूं कि एक समय ऐसा आएगा कि आपको बदलना होगा, और उस समय काल चक्र और समय बदलेगा आपको। उस समय इतना पीड़ा होगा, इतना भयंकर कष्ट होगा, इतना दुख होगा कि इसको कहने का कोई शब्द नहीं है। और सदगुरु के यहां आकर यदि बदलते हो तो भजन गाते हुए, सत्संग सुनते हुए, मन को आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हुए, मन की शुद्धता पवित्रता की गहराई में जाते हुए और परम सुख से अपने समय को बदल लोगे। है कि नहीं है? 7 दिनों के साथ 7 दिन हो गया आपसे मैं कुछ नहीं कहा। एक बात मैं शुरुआत में ही कह रहा हूं आज कि सबसे बड़ी गलती है कि सदगुरु की धर्म सभा में जाकर भी यदि खाली आ जाए तो क्या है? सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा अपराध है ना? और पूछेंगे कैसे खाली ना जाए? अरे आते हैं सभी अपना गागर भर में, भावनाएं तो कुछ होगी, 3 ही भावनाएं बनती हैं, एक भावना बनती ही कि चल इधर उधर क्या कर रहे, समय कैसे कटेगा, पर बचन ही चल रहे हैं कि बुढ़िया के कच 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 जमने जी तले कच कचाई, चल 2 घंटा धर्म प्रेम में सही। ठीक है बुढ़िया बने ससुर जी, अरे सब आप लोग थोड़े करें, आप लोग के सासू को थोड़े करें, आप लोग की सास बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जा रहे हो ना 10 तारीख को सर्वात्मानंद के यहाँ, तो आप लोग के सासू जी का वहां वर्णन करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है ना? दिव्य आत्माएं कुछ लोगों की भावना तो होती है कि ठीक है धर्म सभा में चल रहे हैं सदगुरु के पास,
कुछ पुण्य इकट्ठा करेंगे, कुछ तपस्या इकट्ठा करेंगे, हमारा पाप कम होगा, सुख शांति होगा। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि सदगुरु के यहाँ चल रहे हैं, फला का दुख कट गया तो हमारा भी कट जाएगा। कुछ लोग इस भावना से आते हैं, चौथे इस प्रकार से आते हैं कि हम भी दूसरे को सत्संग सुनाते हैं तो गुरु जी से सुन कर आएंगे तो वही हम दूसरे को सुनाएंगे। चार प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन याद रखना सदगुरु के स्वभाव में आ करके जो तर्क और संशय से बैठता है वही खाली जाता है, जो समर्पण श्रद्धा से बैठता है वह कभी खाली नहीं जाता, और वही जो है ना बदल भी नहीं पाता है, वह नहीं बदलता। क्यों? जो अपना स्वभाव नीम के पेड़ का बना लिया है, नीम के पेड़ के नीचे कितना ही आप मीठा शरबत गिराए फिर भी उसका पत्ता कभी मीठा नहीं होगा। और बोला हो नहीं होगा। अब शुरुआत करते हैं, प्रारंभ कर। गुरु गीता में एक श्लोक है और गुरु गीता भगवान शंकर और मां शक्ति पार्वती जी का संवाद है, ठीक है। रामचरितमानस का भूषण जी गण का संवाद है और एक तरह से रामचरितमानस जी का कई प्रकार के हैं। शिव पार्वती का भी गाता है, काव्यसुंदी का भी है और अन्य महान आत्माओं का है। फिर इसी तरह से आदि शक्ति पुराण भगवान शंकर और मां आदि शक्ति के प्रसंग का वर्णन है जो वार्ता हुआ है। लेकिन गुरु गीता में एक लाइन आती है, आप लोग भी संस्कृत आए तो बोलिए थोड़ा, गुरुर त्यागे, बोलिए गुरुर त्यागे भवे न मृत्यु, मंत्र त्यागे दरिद्रता दरिद्रता। अरे भूल लेंगे आप लोग, अहम भयम कुछ भी तो बोले, हमारे आचार्य जी लोग संस्कृत में बोल रहे हैं तो आप लोग बोलिए ना, गुरु त्यागे गुरु धनी मृत्यु, मंत्र त्यागे मंत्र त्यागे दरिद्रता दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागे गुरु मंत्र परित्यागे, रौ रौ नृत ब्रजे रौ रौ नृत ब्रजे। सीधी बात है, दिव्य आत्माएं जब यहां गुरु को स्वीकार नहीं करता है, और पहली बात बता दें गुरु भी कई प्रकार के होते हैं, सबसे उच्च कोट के सदगुरु होते हैं, धर्म गुरु अलग है, सदगुरु अलग है, और तेरे कंठकवा गुरु और है, तंत्र मंत्र वाले गुरु और है, और संसारिक काम जो हमें जानकारी नहीं है बता दे रहा है वह गुरु और है, स्कूल में विद्या पढ़ाता है वह गुरु कोई और है, लेकिन सबसे बड़ा सदगुरु भी इसीलिए अंतर है कि यह लोग संसार की चीज बताते हैं, संसार के दुख से पार होने की बात बताते हैं, और सदगुरु दुख पार होने की भी बात बताते हैं, और संसार शरीर छूटने के बाद भव पार होने की भी बात बताते हैं।